हेलो टू एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड को। नाउ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज पेबल इन फॉरेन करेंसी इशूड बाय एन इशूइंग कंपनी एंड सब्सक्राइब टू बाय अ पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंजेबल इन टू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी टू बी कॉल्ड ऑफर्ड कंपनी। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए BHEL नाम की एक कंपनी है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इससे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। BHEL के सामने अलग अलग ऑप्शन से कैपिटल रेज करने के, BHEL बैंक से लोन ले सकता है, BHEL पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकता है, BHEL डिबेंचर्स इशू कर सकता है, BHEL उसी प्रकार से फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के अगेंस्ट भी बोरोइंग कर सकता है। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड एक तरीके से क्या हो गया, एक रसीद हो गई। हमने कहा इन फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि आप हमें 50 मिलियन USD दीजिए, हम आपको एक रसीद काट करके देते हैं। ये रसीद में क्या लिखा है जी, हमने सिर्फ फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमें 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए ये 50 मिलियन USD चाहिए और हम आपको हर साल के एंड में क्या पे करेंगे, हम आपको हर साल के एंड में इंटरेस्ट पे करेंगे और फिफ्थ ईयर एंड होने पर आपको 50 मिलियन USD हम वापस कर देंगे। या फिर 50 मिलियन USD वापस ना करते हुए आपके पास एक चॉइस हम लोग देते हैं कि यू विल गेट शेयर्स ऑफ NTPC विच आर बीइंग हेल्ड बाय द BHEL। BHEL ने कहा कि देखो मैच्योरिटी डेट पर या तो आप 50 मिलियन USD आपने वापस ले लो, या एक काम करो हमारे पास NTPC के शेयर्स पड़े हुए हैं। जैसे आपके पास भी तो किसी न किसी कंपनी के शेयर्स होंगे अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा, इसी प्रकार से BHEL एक कंपनी है। कंपनी मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन, और आर्टिफिशियल पर्सन वो सारे काम कर सकता है जो एक हम लोग कर सकते हैं कि इंडिविजुअल कर सकता है। अगर हम किसी कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं तो BHEL भी तो खरीद सकता है। BHEL के पास NTPC के शेयर्स पड़े हुए हैं। हमने इन इन्वेस्टर्स को कहा कि देखो हमारे पास NTPC के शेयर्स हैं, आप इन्हें ले लेना। अब हो सकता है कि फिफ्थ ईयर के एंड में जो NTPC के शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू काफी अच्छी है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे कि चलो भाई NTPC के शेयर से ले लेते हैं तो 50 मिलियन से काफी ज्यादा है, 50 मिलियन USD से काफी ज्यादा है इनकी प्राइस, है ना। अगर इनको लगता है कि नहीं यार ये NTPC के शेयर्स लेना ज्यादा फायदे का सौदा नहीं लग रहा, तो अपने 50 मिलियन USD वापस ले लेंगे। इसी प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या नाम दे देते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। तो अब हम एक एक करके समझते हैं। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी। एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी का मतलब कि जो बोरोवर है और जो लेंडर है इनके बीच में जो भी बातचीत चलेगी यह फॉरेन करेंसी में चलेगी। बातचीत चलेगी फॉरेन करेंसी में मतलब अगर BHEL कहेगा कि हमें आपसे 50 मिलियन USD चाहिए तो 50 मिलियन USD क्या हो गया, फॉरेन करेंसी। लेंडर बोलेंगे कि आप हमें कितने इंटरेस्ट पे करेंगे, BHEL बोलेगा सिर्फ फॉर एग्जांपल हम आपको इतने डॉलर का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये डॉलर में एक्सप्रेस्ड है यानी कि ये फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस्ड है। ओके, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इज पेबल इन द फॉरेन करेंसी इशूड बाय इशूइंग कंपनी। इशूड बाय इशूइंग कंपनी, इशूइंग कंपनी कौन है, BHEL। BHEL FCEB इशू करता है, किसको इशू करता है, एंड सब्सक्राइब टू बाई पर्सन हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। FCEB किनको इशू किए जाते हैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, इन फॉरेन करेंसी। प्लस क्या होता है इसमें, एक्सचेंजेबल, ये एक्सचेंज हो सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी टू बी कॉल्ड द ऑफर्ड कंपनी। मेरे एग्जाम्पल में ऑफर्ड कंपनी कौन है, NTPC। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं कि ऑफर्ड कंपनी का क्या मतलब है और इशूइंग कंपनी का क्या मतलब है। मेरा आगे डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कई बार हमें क्या लगता है कि BHEL जो है, BHEL के पास मान लो रिलायंस के शेयर्स भी पड़े हुए हैं, BHEL ने रिलायंस के शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, तो क्या इन्वेस्टर्स को हम ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप रिलायंस के शेयर्स ले सकते हैं हमसे बाद में मैच्योरिटी डेट पर। द आंसर इज नो। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि BHEL ने NTPC के शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, BHEL ने रिलायंस के शेयर्स भी खरीदे हुए हैं, लेकिन जब हम
इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं FCEB, तो उसमें हम कह रहे हैं कि भैया NTPC के शेयर्स तो हम आपको दे सकते हैं, लेकिन हम रिलायंस के शेयर्स आपको नहीं दे सकते। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखिए भाई क्या यहां पे कहना चाह रहे हैं, द इशुइंग कंपनी यानी कि BHEL, द इशुइंग कंपनी जो FCEB इशू कर रहा है। तो मेरे एग्जाम्पल में कौन FCEB इशू कर रहा था, BHEL। द इशुइंग कंपनी शेल बी पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द ऑफर्ड कंपनी। मेरे एग्जाम्पल में ऑफर्ड कंपनी कौन थी, NTPC। तो जो इशुइंग कंपनी है BHEL प्लस जो ऑफर्ड कंपनी है मेरे एग्जाम्पल में NTPC, ये सेम प्रमोटर ग्रुप के होने चाहिए, ये सेम प्रमोटर ग्रुप के होने चाहिए। अब प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन आपको कहाँ मिलती है, प्रमोटर ग्रुप की डेफिनेशन आपको मिलेगी सेबी ICDR रेगुलेशंस 2018। सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 में जब आप प्रमोटर ग्रुप को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड्स प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप इंक्लूड्स प्रमोटर। तो अगर मैं BHEL की बात करूं तो प्रमोटर कौन है, प्रमोटर है यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। NTPC की अगर मैं बात करूं तो प्रमोटर कौन है, प्रमोटर है यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो BHEL और NTPC सेम प्रमोटर ग्रुप से होने चाहिए। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस के प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ी हैं। तो BHEL के पास बेशक से रिलायंस के भी शेयर्स हैं, लेकिन BHEL और रिलायंस आपस में सेम प्रमोटर ग्रुप को नहीं बिलोंग कर रहे। इस वजह से मैंने कहा कि मैं NTPC के शेयर्स तो दे सकता हूं आपको मैच्योरिटी डेट पर, लेकिन रिलायंस के नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पे क्या बोला, इशुइंग कंपनी शेल बी पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप ऑफ द ऑफर्ड कंपनी एंड शेल होल्ड द इक्विटी शेयर्स बींग ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ द इशुएंस ऑफ FCEB। इतना ही नहीं, अगर मेरे पास NTPC के शेयर्स हैं तो ये सफिशियंट नहीं है, ये शेयर्स मेरे पास कब होने चाहिए, जब मैं FCEB इशू कर रहा हूं, यानी कि जब मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजल बॉन्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स को इशू कर रहा हूं, तो उसी समय मेरे पास क्या होने चाहिए, NTPC के शेयर्स होने चाहिए। NTPC तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। अगर मेरे प्रमोटर ग्रुप, और प्रमोटर ग्रुप कौन कौन हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन जितनी भी कंपनीज में प्रमोटर है तो वो सारी प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हो गई, है ना। तो FCEB जब मैं इश्यू कर रहा हूं उस वक्त उस समय पर NTPC के शेयर्स मेरे पास होने चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल मैंने FCEB इशू कर दिया, उस टाइम पे मेरे पास NTPC के शेयर्स नहीं थे। FCEB इशू करने के 2 महीने के बाद मैंने NTPC के शेयर्स खरीदे, तो क्या अब मैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑफर दे सकता हूं कि मैं आपको NTPC के शेयर्स इशू कर दूंगा, मतलब इशू नहीं बोलेंगे, आपको मैं NTPC के शेयर्स भेज दूंगा, क्या ये ऑफर दिया जा सकता है। द आंसर इज नो, क्योंकि जब मैंने FCEB इशू किया उस टाइम पर मेरे पास NTPC के शेयर्स नहीं थे। तो कंडीशन क्या है कि मेरे पास NTPC यानी कि उस कंपनी के जो मेरे प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग कर रही है, मेरे पास उसके शेयर्स होने चाहिए, तभी मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजल बॉन्ड के तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स को ऑफर दे सकता हूं कि मैच्योरिटी डेट पर आप मेरी प्रमोटर ग्रुप कंपनी के, मतलब ऐसी कंपनी जो मेरी प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग कर रही है, जिसके शेयर्स मेरे पास हैं, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। ऑफर्ड कंपनी कौन हो गई, NTPC मेरे एग्जाम्पल में, मतलब जिसके शेयर्स मैं ऑफर कर रहा हूं। द ऑफर्ड कंपनी शेल बी लिस्टेड कंपनी, ऑफर्ड कंपनी कौन होनी चाहिए, ऑफर्ड कंपनी आपकी लिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, विच इज एंगेज्ड इन सेक्टर एलिजिबल टू रिसीव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एलिजिबल टू इशू और अवेल फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ओके, तो मेन बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि मैच्योरिटी डेट पर हम किसी भी और कंपनी के शेयर्स आपको दे देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, केवल और केवल उसी कंपनी के शेयर्स आपको दिए जा सकते हैं जो सेम प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, प्लस वो लिस्टेड भी होनी चाहिए। वो कंपनी क्या होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी भी होनी चाहिए। वो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो FDI रिसीव करने के लिए एलिजिबल है और जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू करने के लिए एलिजिबल है। तो अगर NTPC इन कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है और BHEL इन कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है, तो यस, मैं फॉरेन करेंसी एक्सचेंजल बॉन्ड इशू कर सकता हूं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच।